अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना डिलीट शुदा डाटा किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी यूएसबी ड्राइव में कुछ फोटोज और ऑडियोज मौजूद हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको रिकवर करके दिखाता हूँ। अगर आपका डाटा डिलीट हो गया है, चाहे वो फोटोज़ थी, वीडियोस थी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो आपका डाटा आपके कंप्यूटर से डिलीट हुआ है, यूएसबी से, एसडी कार्ड से, किसी भी ड्राइव से डिलीट हुआ है, आप उसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 4DDIC विंडोज डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी मदद से आप लोग अपने लैपटॉप, पीसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसडी कार्ड वगैरह से डाटा रिकवर कर सकते हैं। और ये 2000 प्लस फाइल टाइप्स को सपोर्ट करता है। तो ट्राई इट फ्री के बटन पर क्लिक करके इसको फ्री में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी सभी लोकल डिस्क जो है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एक्यूरेटली फाइंड फाइल्स रिकवर फ्रॉम क्रैश कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया है तो भी आप लोग रिकवर कर सकते हैं। रिपेयर अनओपनेबल फोटोज, अगर आपकी फोटोज ओपन नहीं हो रही तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, वीडियोज को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम ड्राइव शो हो रही हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ड्राइव में मेरी यूएसबी ड्राइव शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसा कि डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन और सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप लोग क्या चीज़ रिकवर करना चाहते हैं, जैसा कि फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम फाइल्स, अदर्स और ऑडियोज। मैं फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने देता हूँ और यहाँ पर स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप्स के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी यूएसबी ड्राइव कितने जीबी की है और उससे कितना डाटा डिलीट हुआ है। और आप इसको पॉज या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। जब आप लोग देखें कि आपका डाटा रिकवर हो चुका है तो आप इसको पॉज या फिर स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ट्री व्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फाइल व्यू के बटन पर क्लिक करके तमाम फाइल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। जैसा कि ट्री व्यू में आप लोग डिलीटेड फाइल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसने तमाम डाटा रिकवर कर दिया है जो कि आज तक का मेरा यूएसबी से डिलीट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग फोटोज़ का प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसको रिकवर करने से पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा डाटा यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने लोकेशन को चूज करना है कहाँ पर आप लोग अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं और फाइनली रिकवर के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आप इसको रिकवर ओनली भी कर सकते हैं या फिर रिकवर एंड रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों की फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं तो ये उसको रिपेयर भी कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा तमाम डिलीटशुदा जो डाटा है वो रिकवर होकर आ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है डाटा रिकवरी के लिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।